हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन, जिसमें हम आपको आज ये डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये एक कलर का डिज़ाइन है और देखिए बनाने में, ये बनने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है, देखिए ये खींच के बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको स्वेटर में, अगर आपको 50 फंदे का आपको स्वेटर बनाना है तो इसमें आपको 40 ही डालने पड़ेंगे, ये इतना स्ट्रेचेबल जो है डिज़ाइन है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले इसमें इवन नंबर के फंदे डाले हुए हैं, जैसे कि 24, 26, 28, 32, 36, इस तरह से हमने इसमें इवन नंबर के फंदे लिए हुए हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे बुनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हम बॉर्डर बना लेंगे उसके बाद हम इसे डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे किसी भी स्वेटर जर्सी के लिए। तो इसके लिए जो फर्स्ट रो है, इसकी सारी रो लगभग सेम है, ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कैसे। देखिए पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, पहले फंदे को सीधा बुनने के बाद धागे को अपनी साइड ले आएंगे और जो अगला फंदा है, दूसरा फंदा है, उसको बिना बुने निकाल देंगे। देखिए बिना बुने इसको निकाल दिया हमने। और जो तीसरा फंदा है हमारा, उसको हमें सीधा बुनना है, इस धागे को अपनी साइड रख के ही, इसको हमें अपनी साइड ही रखना है, पीछे नहीं ले जाना, और इस फंदे को हमें सीधा बुनना है। तो चलिए हम इसे सीधा बुन देते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा बुन दिया। फिर हम क्या करेंगे, ऊन को अपनी साइड लाएंगे, फिर अगले फंदे को बिना बुने निकाल लेंगे और जो अगला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे, इस ऊन को अपनी साइड रखते हुए ही। तो इस तरह से आप देखिए, इसको ऊन को अपनी साइड रखने का क्या फ़ायदा हो रहा है, अपनी साइड ऊन को रखने से जो हम ये जो बिना बुना फंदा निकाल रहे हैं, देखिए इसके ऊपर एक ये धागे का कवर सा बनता जा रहा है। ये देखिए इस फंदे के ऊपर बन गया और इस फंदे के ऊपर, जिसको भी हम बिना बुने निकाल रहे हैं उसके ऊपर ये धागे एक कवर सा बन जाएगा। देखिए इसको हमने बिना बुने निकाल लिया और अगले फंदे को हमें सीधा बुन देना है। फिर हम ऊन को अपनी साइड करेंगे और अगला फंदा बिना बुने निकाल लेंगे। ये देखिए जिस फंदे को हम सीधा बुन रहे हैं, ये हमारे डबल फंदे हैं, दो फंदे हैं जिनको हम सीधा बुन रहे हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि हम इस डिज़ाइन को बुनते हुए ऊपर आ गए हैं। अगर आप इसको स्टार्टिंग से बुनेंगे तो यहाँ पर आपका एक सिंगल फंदा ही होगा, हमारे पास ये डबल फंदा है क्योंकि हम इसको पहले से बुन रहे हैं। देखिए इसको सीधा बुन दिया, फिर अपनी साइड लाए, बिना बुने निकाला और अगले फंदे को सीधा बुन दिया। ऊन को अपनी साइड रखना है सीधा बुनते हुए। देखिए फिर से इसको निकाल लिया और अगले फंदे को सीधा बुन दिया, फिर अपनी साइड ले आए और इसे हम सीधा बुन देंगे। इसी तरह इस प्रोसीजर को फॉलो करते करते हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने पहले और लास्ट जो फंदा है उसको हमने सिंपल सीधा बुना है, उसमें हमने डिज़ाइन नहीं डाला। जैसे हमने पहला फंदा सीधा बुना था, ऐसा ही हमने लास्ट फंद के फंदे को भी सीधा ही रखा है। देखिए इसको बुन लिया, इसको निकाला और इसको बुनने के बाद ये देखिए लास्ट में एक फंदा बचा, इसको हमने सीधा बुन दिया। अब चलिए एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम अगली सिलाई पे आ गए। अब देखिए ये दूसरी रो है, दूसरी रो के लिए हमने जो सिंपल फंदा है हमारा पहले वाला, उसको हम सीधा ही बुन लेंगे सिंपल, और फिर ऊन को अपनी साइड लाएंगे। और देखिए ये फंदा हमने पिछली बार बुना था, इस फंदे को हमने पिछली बार बुना था, तो हम इसे बिना बुने निकालेंगे। इसको हमने इस बार बिना बुने निकाल लिया और देखिए अब ये आपके फंदा भी इसी तरह से दिखाई देगा, जिसके ऊपर से ऊन का जो धागा है वो जा रहा है, तो ये डबल फंदा आपको दिखाई देगा। इसको आपको डबल ही बुनना है, अब दो ही फंदे सेकेंड रो में आपको ये दो ही फंदे एक साथ बुनने हैं। देखिए इस एक साथ लेंगे और इनको सीधा बुन देंगे, और सीधा बुनते हुए ऊन हमारी साइड ही होनी चाहिए। फिर ऊन को अपनी साइड किया, अगले फंदे को जो बुना हुआ फंदा है उसको बिना बुने निकाल दिया, और जो जिसके ऊपर से ऊन का कवर है उसको हमने सीधा बुन दिया। फिर ऊन को अपनी साइड लिया, अगला फंदा बिना बुने और उससे अगले को सीधा बुन दिया। ये आपको इजीली पता लग जाएगा, जो फंदा आपने पिछली सिलाई में बुना है उसे बिना बुने निकालना है, और जिसको नहीं बुना है, जो डबल है, उसको सीधा बुनना है। बस ऊन अपनी तरफ करना आपको ध्यान रखना है। देखिए पहली सिलाई की जैसी ही सेम सिलाई है, ये भी चेंज नहीं है कुछ भी। एक फंदे को बिना बुने निकाल रहे हैं, अगले को सीधा बुन रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना हुआ है, पहली सिलाई में आपका सिंगल फंदा था जैसे हम
सीधा बुना था, इसमें आपका डबल हो गया होगा। देखिए इस तरह से करते करते इस रो को हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए लास्ट फंदा आ गया हमारा, इसको हम सीधा बुन देंगे। तो चलिए देखिए इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी सारी रो एक जैसी ही बनेंगी और ये हम तब तक बनाते रहेंगे जितना बड़ा हमें अपना वुलन प्रोजेक्ट बनाना है। तो चलिए एक रो और हम बना लेते हैं। पहला फंदा सीधा, उसके बाद ऊन को अपनी साइड करेंगे, अगले फंदे को बिना बुने निकाल लेंगे जो कि हमने पिछली सिलाई में बुना था, और उससे अगला फंदा जो डबल फंदा है उसको सीधा बुन देंगे। ये सारी रो अब हमारी उल्टी और सीधी सिलाई दोनों में सेम रहेंगी। देखिए इस तरह से हम इसको बुनते जाएंगे, फिर अपनी साइड करेंगे, अगला फंदा बिना बुना और उससे अगले को सीधा। देखिए इसी तरह से हम रो कंप्लीट करते जा रहे हैं पूरी रो को। देखिए लास्ट फंदा आ गया, इसको हम सीधा बुन देंगे। तो ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा, और जैसा कि हमारी उल्टी और सीधी रो दोनों सेम है तो इसी तरह देखिए ये उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से दोनों तरफ से एक ही जैसा आपको डिजाइन लगेगा। तो दोनों तरफ से ये आपका डिज़ाइन देखिए सेम है। इस साइड से भी देखिए जो ये वी शेप की आपकी धारियाँ बनती जाएंगी, और दूसरी साइड से भी देखिए इस साइड से भी बनती जाएंगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से हमारी सेम लाइनें इसमें आ रही हैं। आई होप आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आएगा और आप इसे अपने वूलन प्रोजेक्ट में ज़रूर यूज़ करेंगे। और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू।